अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? अब हम आपको लेके चलते हैं उस गांव के अंदर कि जहां बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, 100 साल से भी ज़्यादा उसको हो चुका है, और इनमें से हम एक बिल्डिंग को एक इमारत के अंदर लेके चलेंगे आपको, और वहां रहने वाला एक बुज़ुर्ग है उसके अंदर जो रहता है, उससे पूछने की कोशिश हम करेंगे। अगर वो बताने के लिए कुछ तैयार होता है, इन बिल्डिंगों को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. तो गाइस, अब यहाँ से देखिए शुरुआत हो चुकी है उन इमारतों की, उन बिल्डिंगों की, जो कि हमने आपको शुरू में बताई थी कि यहाँ देखिए इस बिल्डिंग का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। और भी देखिए काफ़ी बिल्डिंगें जो ऐसी हैं यहाँ पे जो बहुत काफ़ी पुरानी हैं, 100 से 200 साल के बीच बीच में पुरानी हैं, और भी ज़्यादा हो सकती हैं तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो हमें मालूम है, इतना कन्फर्म है कि ये 100 से ज़्यादा साल पुरानी है। तो आगे अभी हम आपको दिखाएंगे एक दो बिल्डिंगों को, एक दो इमारतों को हम अंदर से भी दिखाएंगे आपके लिए कि उन बिल्डिंगों का क्या राज है और इस गांव का क्या राज है जो आज भी यहां इतनी पुरानी पुरानी इमारतें मौजूद हैं। तो चलिए हम आपसे आगे बात करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी एक बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत भी है। बहुत ही इसके इतिहास के बारे में पूछेंगे कि क्या है इसका इतिहास, एक बुजुर्ग है इसमें, उसे अगर मालूम करेंगे, अगर वो बताने के लिए तैयार होता है। दो साल हो गए तो इसमें शुरू से आप ही रहते हैं, आपका खानदान ही चला रहा है कि पहले किसकी थी? आपके खानदान की है? दो साल से पुरानी जो है बिल्डिंग है, इसमें जो 10 मंजिल राजा था, ये अंदर से देखते हैं नीचे है।
ये लकड़ी भी जो है ना बहुत मजबूत पुरानी, आज भी इसमें जो है कुछ भी नहीं हो। ऐसी बिल्डिंग बहुत है, इसे के अंदर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से ज़्यादा हो गए। ये अभी इस टाइम जो है इसको बंद कर दिया जाता है, अभी ये बंद हो चुका है, शाम का टाइम हो चुका है। परमिशन बड़ी मुश्किल से इसमें मिली थी, और इसमें फोटो भी हैं किसी की हैं। ये सौ साल से भी ज्यादा हो गई। कोई नुकसान ना हो, गिरने की वजह से खतरा होते हैं। और ये पैसे की